सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियलिटी समूह M3M के निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि पीठ ने रियलिटी फर्म के निदेशकों को जमानत दे दी है। निदेशकों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 20 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह मामला काफी गंभीर प्रकृति का है। आपको बता दें कि इससे पहले बसंत बंसल और पंकज बंसल को कथित रिश्वत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के सिलसिले में ED ने गिरफ्तार किया था। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बसंत और पंकज बंसल की याचिका पर 11 अगस्त को केंद्र सरकार और ED से जवाब मांगा था। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया गया है वह अप्रैल में हरियाणा पुलिस के ACB द्वारा प्रवर्तन निदेशालय और CBI के मामलों के पूर्व विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार और उनके भतीजे और M3M ग्रुप के एक अन्य निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। आपको बता दें कि मामला उस वक्त का है जब परमार पंचकुला में पदस्थापित थे। प्राथमिकी के अनुसार ईडी को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि परमार आरोपी रूप कुमार बंसल और उनके भाई बसंत कुमार और रियलिटी स्टेट फर्म IERO के मालिक ललित गोयल के खिलाफ अपनी अदालत में लंबित ईडी और CBI के मामलों में उनकी तरफदारी कर रहे थे। आपको बता दें कि परमार को ACB का मामला दर्ज होने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। ईडी ने कहा है कि उसने गिरफ्तारी से पहले प्राथमिकी में लाए गए आरोपों के संबंध में बैंक स्टेटमेंट और धन के लेन देन जैसे आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए हैं। आपको बता दें कि M3M पर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उसको लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।